हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजिक्स कोचिंग। प्रॉब्लम फ्रॉम ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, प्रॉब्लम नंबर 2.21। फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हुज रेडियस इज आर एंड हुज टोटल चार्ज इज क्यू। यूज इनफिनिटी एज ए रेफरेंस पॉइंट। कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ वी इन ईच रीजन एंड चेक दैट इट यील्ड द करेक्ट फील्ड। तो हमको पोटेंशियल निकालना है और उसको चेक भी करना है। सो एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं जो कि मैंने बनाया हुआ है और उसकी रेडियस है आर, इस पर टोटल चार्ज है क्यू। तो ये सॉलिड है तो पोटेंशियल अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। सो हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई वेक्टर के या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर क्यूब आर कैप। दिस इज फॉर आर इज लेस देन आर। ओके, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप फॉर आर ग्रेटर देन आर। सो ये दो फील्ड हमारे पास हो गए, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो फर्स्ट कैलकुलेट आउटसाइड आउटसाइड द स्फेयर। ओके, सो आउटसाइड के लिए वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। सो इन्फिनिटी टू आर मीन्स हम इन्फिनिटी से आएंगे। सपोज हियर इज इन्फिनिटी, यहाँ से आके यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम यूज़ में लेंगे। सो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप और डी एल इज इक्वल्स व्हाट विल बी डी आर आर कैप। ओके, सो दिस वन विल बी माइनस इन्फिनिटी से आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डॉट आर आर डॉट आर कैप डॉट आर कैप इक्वल्स टू 1 आर स्क्वायर डी आर। सो कॉन्स्टेंट चीज बाहर ले लेते हैं, अपने पास बचता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इन्फिनिटी टू आर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस इन्फिनिटी टू आर। ओके, सो इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0, सो वी हैव लेफ्ट विथ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द पोटेंशियल एट आउटसाइड द स्फीयर। ओके, नाउ सेकंड क्या है, सेकंड इज इनसाइड। इनसाइड, सो इनसाइड इज वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन है, हमें इन्फिनिटी से आना है और इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर आए तो ये है आर डिस्टेंस, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये है अपना पाथ, कैसे भी पाथ है इन्फिनिटी से स्टेट मान सकते हो। सो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अलग है इनसाइड अलग है, तो क्या बाउंड्री चेंज हो रही है। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल आर और ई
डॉट डी एल माइनस आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी एल। ओके सो ये हो गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं ई की। सो ई डॉट विल भी क्या होगा, ई डॉट आर, और इनमें डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो कोस थीटा वन कोस जीरो इक्वल टू वन हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माई इन्फिनिटी से आर कैपिटल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर माइनस माइनस इन्फिनिटी सॉरी आर टू कैपिटल आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर क्यू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डी आर। ओके नाउ इंटीग्रेट दिस। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू आर क्यू अपॉन फोर फोर लेट्स लेट कॉमन ले लेते हैं क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वन बाई आर स्क्वायर डी आर माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटीग्रेशन आर टू आर आर डी आर। ओके नाउ इंटीग्रेट माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाई आर इन्फिनिटी टू आर माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर बाई टू आर टू आर। सो पुटिंग द वैल्यूज लेट्स टेक क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन वी लेफ्ट विथ वन बाई माइनस वन बाई आर प्लस आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू अपॉन वन बाई आर क्यूब लेफ्ट आउटसाइड। सो दिस इज द रिजल्ट। सो माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाई आर प्लस आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब माइनस वन बाई टू आर। ओके नाउ दिस एंड दिस विल बी एडेड। सो माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस थ्री बाई टू आर प्लस आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब। नाउ टेक कॉमन वन बाई टू आर क्यूब। सो माइनस लेट्स माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है और टू आर क्यूब कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा अपने पास, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये थ्री आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब। सो दिस विल बी द रिजल्ट। तो इसको रिमेंबर कर सकते हैं के क्यू अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब। दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड। ओके सो ये है इनसाइड पोटेंशियल। ओके सो अपने को क्या करना है, अभी ग्रेडियंट निकालना है इनका। तो ई फर्स्ट रिजल्ट इज वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर एंड सेकंड इज इनसाइड के क्यू अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होता है, ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी। सो ये अपने को चेक करना है। तो आउटसाइड की बात करते हैं,
आउटसाइड गया, माइनस वन बाई माइनस डेल अपॉन डेल आर और वी. ओके सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और वन माइनस साइन. सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सही है. सेकंड निकालते हैं इनसाइड. इनसाइड अगर ग्रेडियंट निकालेंगे तो डेल वी इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू अपॉन टू आर क्यूब. इसका डेरिवेटिव जीरो, क्या बचा, माइनस ऑफ थ्री आर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमसे गलती हुई है, आर स्क्वायर. सो देयर विल बी टू आर. सो दिस विल बी माइनस 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 प्लस, टू से टू कैंसिल. सो वी लेफ्ट विथ के क्यू आर अपॉन आर क्यूब. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड, जो कि करेक्ट है. तो हमने इस वाले एक्सप्रेशन में भी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे आएगा माइ टू क्यूब, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या किया हमने, क्यूब क्यूब लिख दिया, आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना, तो हमने आर क्यूब कैसे लिख दिया, आर स्क्वायर. सो ये रिजल्ट आ गया हमारा. सो अभी बात रही ग्राफ की, तो ग्राफ आएगा ऐसे. सबसे पहले V, तो V और R, V और R के बीच में. सो एट सेंटर, सेंटर क्या होगा, पोटेंशियल. सेंटर के लिए पोटेंशियल ये, जब R इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमारे पास क्या आता है, दिस K Q अपॉन टू आर और थ्री, थ्री बाई टू के क्यू अपॉन आर. ये पोटेंशियल होता है एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर. सो ये हो गया अपना थ्री बाई, लिख देता हूँ ठीक से, थ्री बाई टू के क्यू अपॉन आर. ये हो गया. सो यहाँ से क्या करेगा ग्राफ आपका, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा ग्राफ में गिरावट आएगी, फिर एट पॉइंट आर, उसके बाद वन बाई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर. सो दिस विल बी वन बाई आर ग्राफ. सो तो ऐसे इसका ग्राफ ये इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, जीरो. सो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, हैव ए नाइस डे.